हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करें तो नया पदार्थ बनता है, तो उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, आपका रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अब रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखेंगे किसी से, प्रदर्शित तो करना होगा हमें, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को जिससे प्रदर्शित किया जाए वही बच्चों क्या होगा, रासायनिक समीकरण होगा। तो अब हम डिस्कशन करेंगे आपकी रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण क्या है, तो बच्चों इसमें क्या जानेंगे, वह समीकरण जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित किया जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित किया जाता है उस समीकरण को रासायनिक समीकरण, तो उस समीकरण बच्चों क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यदि हम कहें कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे। जैसे हमने क्या कहा, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो बच्चों कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसे हम लिख लिए। अब इसको तो हमें प्रदर्शित करना होगा, अब इसे संक्षिप्त रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ी किसकी, रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक समीकरण इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला क्या लिख सकते हैं आपका, इसे हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, इतना क्लियर हो ना। तो बच्चों तो इसे हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, एक तो ये ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, आपके कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों क्या बनाएंगे आपका, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, एक तरीका भी क्या हो सकता है बच्चों, इस प्रकार से लिख दे, कार्बन
सॉलिड स्टेट में होता है, यह अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से और यह बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ पर हम दो तरीके से लिखे हैं, एक शब्द के द्वारा इस रासायनिक अभिक्रिया को लिख दिया और एक उनके प्रतीकों और उनके सूत्रों द्वारा रासायनिक समीकरण को लिख दिया। तो दो तरीके हुए लिखने के, एक शब्द के द्वारा लिख दिए तो आपका क्या होगा, शब्द समीकरण होगा, और यदि हम उनके सूत्रों के द्वारा उनके प्रतीकों के द्वारा बच्चों लिखे तो क्या होगा, सूत्र समीकरण होगा। तो कहने का क्या मतलब निकला, ये क्या है बच्चों, ये आपका निकला शब्द समीकरण, ये बच्चों क्या निकला आपका शब्द समीकरण, और ये क्या निकला आपका सूत्र समीकरण। तो यदि रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों द्वारा लिखा जाए, प्रतीकों द्वारा लिखा जाए तो सूत्र समीकरण, उनके शब्दों द्वारा लिख दे तो शब्द समीकरण होगा। तो अब हम बात करेंगे आपका शब्द समीकरण क्या है और सूत्र समीकरण क्या है। तो ठीक है बच्चों, अब हम आपके अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अब शब्द समीकरण क्या है बच्चों, जब हम अभिकारक और उत्पाद को उनके शब्दों द्वारा लिखेंगे तो उसे हम शब्द समीकरण कहेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, शब्द समीकरण कहेंगे। तो पहले हेडिंग हम आपका लगा रहे हैं शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण क्या बच्चों, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वह समीकरण जिसमें वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद को वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद को उनके शब्दों द्वारा लिखा जाता है, उनके शब्दों द्वारा लिखा जाता है, उनके शब्दों द्वारा लिखा जाता है। तो बच्चों तो उसे शब्द समीकरण, तो बच्चों उसे शब्द समीकरण कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे कि इसके बारे में आपको पहले हम बता चुके हैं, फिर एक एग्जांपल से आपको हम समझा रहे हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बाई रिएक्शन इट विल फॉर्म योर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक एग्जांपल और याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वो क्या है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे आप याद रखिएगा, मैग्नीशियम किससे अभिक्रिया करेगा बच्चों, ऑक्सीजन से, किससे करेगा आपका ऑक्सीजन से। तो क्या बनाएगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो ये दोनों रिएक्शन आप याद रखिएगा, लर्न कीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड बोथ रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो इसे आप अपनी जानकारी में रखिएगा। तो अब हम आपकी अगली हेडिंग की बात करते हैं, जो आपका है सूत्र समीकरण। क्या बच्चों? सूत्र समीकरण। तो सूत्र समीकरण क्या है उसके बारे में और जाने। यदि अभिकारक और उत्पाद को, यदि अभिकारक और उत्पाद को उनके सूत्रों द्वारा, उनके प्रतीकों द्वारा लिख दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? सूत्र समीकरण कहेंगे। तो कहने का क्या मतलब निकला? यदि वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद को, अभिकारक वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद को उनके वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद को उनके सूत्रों या प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है, या प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है, बच्चों लिखा जाता है, तो उसे सूत्र समीकरण कहते हैं। तो उसे बच्चों क्या कहते हैं? सूत्र समीकरण कहते हैं। यदि हम ये जो शब्द समीकरण हैं इनके प्रतीक और इनके यदि हम सूत्र लिख दें जो हम लिखे हैं, तो क्या होगा? आपका सूत्र समीकरण होगा। तो यदि हम इसकी एग्जांपल की बात करें, यदि बच्चों हम इसके एग्जांपल की बात करें, तो एग्जांपल क्या हो सकता है? देखिए, आपके यहाँ पर कार्बन है, तो जैसे हम क्या लिख सकते हैं आपका? देखिए, कार्बन का जो प्रतीक होता है क्या बच्चों? सी होता है। और कार्बन की जो अवस्था होती है क्या बच्चों? होती है आपकी सॉलिड स्टेट होती है, यस लिखा, तो कार्बन को हमने लिखा सी और ब्रैकेट में क्या लिखा? यस। और यहाँ पर हमने लिखा है ऑक्सीजन, तो मैंने बच्चों क्या लिखा आपका? ऑक्सीजन O2। अब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे, आपको पता है ऑक्सीजन की क्या होती है फिजिकल स्टेट? क्या होती है आपकी? गैस होती है। देन यहाँ पे हमने लिखा जी। अब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे बच्चों, तो आपका क्या बनाएंगे? CO2। आपको पता है कि CO2 भी क्या होता है बच्चों? एक गैस होती है, जो क्या यहाँ से हम बता रहे हैं ये निकल रही है। यदि हम बात करें दूसरे रिएक्शन की, जो हमने लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो का साइन, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बच्चों इसके लिए क्या होगा? इसके लिए बच्चों आपको पता है मैग्नीशियम की जो अवस्था होती है क्या बच्चों? सॉलिड स्टेट होती है। और देखिए, हम अवस्था की बात कर रहे हैं बच्चों, तो किस अवस्था की बात कर रहे हैं? सामान्य ताप पर जो पदार्थ की अवस्था हो रही होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो EMG यस रहा बच्चों। और ऑक्सीजन को आपको पता ही है, बचपन से सुनते आए हैं ऑक्सीजन गैस, तो हमने यहाँ क्या लिखा आपका? जी लिखा। अब ये दोनों अभिक्रिया किए और आपका क्या बनाएंगे बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बच्चों आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या होता है? यस होता है, सॉलिड होता है। देन बाय बोथ रिएक्शन आप समझ चुके होंगे कि ये क्या है आपका? सूत्र समीकरण है। और ये जो लिखा है आपका क्या बच्चों? शब्द समीकरण है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आपका टॉपिक होगा कि शब्द समीकरण और जो सूत्र समीकरण लिखा है, क्या वो संतुलित है, क्या वो असंतुलित है। तो कहने का मतलब बच्चों निकला कि रासायनिक समीकरण के प्रकार हम देखेंगे,
संतुलित है कि असंतुलित है, आओ हम उसे सीखें। तो अगली हेडिंग बच्चों क्या रहेगी आपकी, संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो यदि हम बात करें तत्वों की अभिकारक के साइड बायां पक्ष, उत्पाद के साइड दायां पक्ष में तत्वों की जो संख्या है उसके आधार पर यदि रासायनिक समीकरण की बात करें बच्चों, तो ये दो प्रकार के, एक होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है बच्चों, संतुलित संतुलित रासायनिक संतुलित रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये क्या होता है बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण। और एक होता है आपका असंतुलित असंतुलित, क्या होता है बच्चों, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो बच्चों यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, तो जैसा कि संतुलित रासायनिक समीकरण और यहाँ पर क्या है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक आप इन वीडियो को पहुँचाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। तो ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।